Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM. And here I am back with another video. So आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है. आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं लीडरशिप और डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के बारे में. सो लीडरशिप क्या है और डिफरेंट स्टाइल्स ऑटोक्रेटिक से लेके न्यूरोक्रेटिक तक सारी स्टाइल्स में आपको एक सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल्स बताऊँगा. तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो स्टार्ट करने से पहले आई एम राहुल एंड आपको डाउनलोड करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप जिसपे मैं वेरीफाइड एडुकेटर हूँ. और आपको सर्च बार में सर्च करना है राहुल मोहिले. HRM का एक पूरा कोर्स मैंने वहाँ पे डाला है जिसमें आपको सारे लेसन्स लाइन से मिल जाएंगे. मुझे फॉलो करें, मुझे रेट रिव्यू और कमेंट ज़रूर करें. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करें और प्ले स्टोर में जाके अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें. तो लेट्स So today we are going to learn about the leadership, and I will be covering different styles of leadership in this video. So leadership के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि leadership क्या होती है और different styles of leadership जो organization follow करता है वो हम पढ़ेंगे. तो लीडरशिप इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड द फॉलोअर्स. एक लीडर होता है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं. तो लीडर जो होगा उसमें कुछ अचीव करने की एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें नॉलेज होना चाहिए. इट इन्वॉल्व्स मेकिंग साउंड डिसीजंस, एस्टैब्लिशिंग एंड अचीविंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसीलिए इफ़ेक्टिव लीडर जो भी है उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ही शुड बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, उसमें मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए, इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए, अच्छा खासा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस टू टेक रिस्क होना चाहिए. अगर वो अच्छे लेवल पे रिस्क लेगा तो उसी के वजह से उसको अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा. एंड पीपल विल बी फॉलोइंग हिम इफ़ ही हैज़ सो मेनी क्वालिटीज़, बिकॉज लीडर हमेशा एक होता है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं. तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज़ द एबिलिटी ऑफ द मैनेजर. मैनेजर की एक एबिलिटी है, जो क्वालिटी उसमें है, जिसके वजह से वो अपने सबऑर्डिनेट्स को काम करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, एज वेल एज दैट कैन क्रिएट अ कॉन्फिडेंस एंड जील अमॉन्ग दी एम्प्लॉयज. सो दैट इज़ दी लीडरशिप एज दी बेसिक मीनिंग एज कंसर्न. द नेक्स्ट इज द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप या टाइप्स ऑफ लीडरशिप. तो अब हम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप पढ़ेंगे, जो मैं आपको बेसिक चीज़ें उसके बारे में बताऊँगा. द फर्स्ट इज कॉल्ड एज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. अब ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि ऑटोक्रेटिक में कंप्लीट पावर जो है और कंट्रोल जो है वो एक ही हैंड्स में है. सिंगल पर्सन विल बी प्रोवाइडिंग, सिंगल पर्सन विल हैव द कंट्रोल. मतलब मैनेजर अकेला सोल अथॉरिटी लेके चलेगा, वो किसी से सजेस्ट नहीं करेगा और सारे डिसीजंस खुद लेगा. तो ये एक डिक्टेटोरियल लीडरशिप स्टाइल है. तो ऑटोक्रेटिक में ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन बाय द मैनेजर ओनली, ही विल नॉट कंसल्ट हिज सबऑर्डिनेट. नेक्स्ट स्टाइल इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहा है. तो इसके वजह से जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको अथॉरिटी मिल रही है, उनमें रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो रही है, और वो लोग मोटिवेट रहते हैं कि उन्हें भी डिसीजन मेकिंग पावर में इन्वॉल्व किया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं. वी आर इन्वॉल्विंग देम इन द डिसीजंस, डिस्कशंस एंड द वर्किंग ऑफ द फर्म, सो दे आर क्वाइट मोटिवेटेड. दैट इज़ द सेकेंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप. द थर्ड इज लेजिस फेयर लीडरशिप. लेजिस फेयर में क्या होता है कि ये जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम दे देता है टू टेक डिसीजंस रिलेटेड टू वर्क. एम्प्लॉयज़ आर फ्री टू प्लान ओवर हियर, ऑर्गेनाइज, सेट द डेडलाइंस फॉर द वर्क एक्सेट्रा. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं है, सुपरविजन सिर्फ किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, थोड़ा सा वो भी ज़्यादा लेवल पे नहीं किया जाएगा. यहाँ पे जो मैनेजर है वो एज अ गाइड रोल प्ले करता है. सो गाइड, एज अ गाइड वो रोल प्ले कर रहा है, वो एडवाइस देता है जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब, एंड अच्छा खासा फ्रीडम मिलता है ताकि लोग भी अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं. दैट इज लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल.
देन द नेक्स्ट इज सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल. अब सिचुएशनल में क्या होता है कि सिचुएशनल ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जो डिपेंड करते हैं सिचुएशंस पे. मतलब ऐसा बोला गया है कि ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, ये तीनों स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट है और जब भी जैसा नीड अराइज होगा तभी वैसे हमें वो स्टाइल फॉलो करनी है. तो सिचुएशनल स्टाइल में जैसे भी नीड अराइज होगा वैसे इन तीनों का कॉम्बिनेशन फॉलो किया जाएगा. कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर इज सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल. द नेक्स्ट इज पैटर्नलिस्टिक स्टाइल. पैटर्नलिस्टिक में क्या होता है, जो प्रोप्राइटर और या हमारा ओनर है वो एज अ फादर फिगर एक्ट करता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. वो डायरेक्ट करता है, सुपरवाइज करता है, गाइड करता है सबऑर्डिनेट्स को सारे रिलेटेड मैटर्स से, और जो भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाता है. तो हाउएवर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑटोक्रेटिक स्टाइल बिकॉज द मैनेजर मेंटेन्स फ्रेंडली एटमोसफियर ओवर हियर इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ऑटोक्रेटिक में भी तो मैनेजर ही था डिसीजन लेने वाला, यहाँ पे भी पैटर्नलिस्टिक में भी मैनेजर ही है, लेकिन वो एक फ्रेंडली एटमोसफियर क्रिएट करता है और एज अ फादर फिगर एक्ट कर रहा है. तो एम्प्लॉयज़ को ओपिनियंस दिया जाएगा, सजेशंस भी मिलेगा, दैट इज़ पैटर्नलिस्टिक स्टाइल. द नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल. ब्यूरोक्रेटिक में क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक एक्चुअली स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाला स्टाइल है जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री में देखा गया है. यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है डिस्कशंस विद द एम्प्लॉयज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. द नेक्स्ट इज सोशियोक्रेटिक स्टाइल. सोशियोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी मैनेजर है वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड है. द मैनेजर वेलकम्स सजेशंस, द मैनेजर वेलकम्स द ओपिनियंस ऑन सम मैटर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, ही टेक्स डिसीजन दैट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़. ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ही होगा. तो मतलब कंपनी के बेनिफिट के लिए भी सोचेंगे और एम्प्लॉय के बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, तो दोनों के बेनिफिट के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन सिर्फ कंपनी के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचा है, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट में भी डिसीजन लिया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड सोशियोक्रेटिक स्टाइल. नेक्स्ट इज़ न्यूरोक्रेटिक लीडरशिप. न्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि द मैनेजर जो रहता है वो फोकस होता है अबाउट द टास्क. उसको कुछ भी हो जाए वो टास्क या ऑब्जेक्टिव जो दिया है उसने एम्प्लॉयज़ को वो अचीव करना ही है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ बीन कॉल्ड एज कम्प्लीशन ऑफ द टास्क इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टाइल. नो मैटर वॉट, कितना भी कुछ भी हो जाए अपने को टास्क अचीव करना ही है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. तो दीज आर द वेरियस लीडरशिप स्टाइल्स विच आई हैव डिस्कस विद यू. इसके बारे में एक पूरा लेसन मैंने अर्न अकेडमी पर डाला है, HRM क्रैश कोर्स. आप वहाँ पे जाके सारे कोर्सेस, आपको एक कोर्स डाला है, सारे लेसन्स आपको एक ही लाइन में मिलेंगे. अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वो सारे डिटेल्स फॉलो करो, सो यू कैन रेट, रिव्यू एंड कमेंट ऑन द कोर्स. अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. टिल देन बाय बाय, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर. थैंक यू.